नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में शराब पीने वालों की खुलेगी पोल, 2025 तक खेतों में पानी पहुंचाने का कार्य होगा पूरा। बिहार के मजदूरों की बढ़ी न्यूनतम दिहाड़ी, 5G नेटवर्क से फिलहाल नहीं जुड़ेगा बिहार। T20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया को राउफ की चेतावनी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में शराब पीने वालों की खुलेगी पोल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून में शराब पीने वालों को लेकर नया निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देश के अनुसार पहली बार शराब पीने वाले अभियुक्तों के घर के बाहर अब चेतावनी पोस्टर चिपकाया जाएगा। इसमें शराबी के नाम, पिता का नाम और विस्तृत पते के साथ यह जिक्र होगा कि पहली बार शराब पीने के अपराध में जुर्माना देकर अभियुक्त को रिहा किया गया है। अगर यह दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो इस बार निश्चित रूप से 1 वर्ष के लिए जेल जाना होगा। बता दें कि अगले सप्ताह से उत्पाद विभाग शराबियों के घर पोस्टर चिपकाने की कार्रवाई शुरू कर देगा। बिहार में आज से फिर बालू खनन आरंभ। बिहार का सबसे बड़ा उद्योग बन चुके बालू खनन आज से फिर से शुरू हो जाएगी। बता दें कि मॉनसून के कारण पिछले 3 माह से बंद खनन के कार्य शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अब पुराने बंदोबस्तधारी 25 दिसंबर तक खनन कर सकेंगे। हालांकि इसके पहले उन्हें निर्धारित अवधि के लिए रॉयल्टी की राशि फिर से जमा करनी होगी। नई नीति के अनुसार अक्टूबर से नए बालू घाटों की अगले 5 सालों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ई नीलामी से बंदोबस्ती होगी। DSR में खनन योग्य बालू की मात्रा और स्वामित्व दर को आधार बनाया गया है। ऐसे में बालू की कीमत जिलों में बाजार से तय होगी। बालू खनन शुरू होने से बालू की कीमतों में कमी आएगी और लोग सस्ते दर पर बालू खरीद सकेंगे। दुर्गा पूजा, दशहरा पर ट्रेनें फुल होने से यात्रियों की जद्दोजहद। देश के विभिन्न राज्यों में नौकरी और व्यवसाय करने वाले लोगों को दुर्गा पूजा और दशहरा पर बिहार आने के लिए ट्रेनों में टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। मुसाफिरों को ट्रेनों में रिजर्वेशन टिकट नहीं मिल रही है। प्रीमियम ट्रेनें जैसे राजधानी, शताब्दी में रिजर्वेशन लिस्ट रिग्रेट हो गई है तो कहीं सुपर फास्ट ट्रेनों की हालत यह है कि 300 से अधिक तक वेटिंग लिस्ट देखकर लोग हताश हो जा रहे हैं। यात्री तत्काल कोटा से टिकट बुक करने में जुटे हैं मगर यहां भी आपाधापी मची हुई है। तत्काल टिकट काउंटर पर आलम यह है कि लोग अगले सुबह 3-4 बजे भोर से ही स्टेशन पर पहुंचकर अपना नंबर लगा रहे हैं ताकि 1 या 2 नंबर पर रहते हुए उन्हें दिल्ली, मुंबई या कोलकाता तक जाने के लिए टिकट मिल सके, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिल रही है। दूसरी ओर कई लोग वेटिंग टिकट लेकर इस आशा में हैं कि वे TT से ट्रेन में मैनेज कर सकते हैं। 2025 तक खेतों में पानी पहुंचाने का कार्य होगा पूरा। अम्हाड़ा स्थित IIT पटना के सभागार में बीते दिन शुक्रवार को बाढ़, सुखाड़ प्रबंधन, जल संरक्षण और संवर्धन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जल संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री संजय कुमार झा ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि शोध के जरिए ही हम लोग बिहार को नया मुकाम दे सकते हैं। आज IIT पटना में हो रहे शोध से कई योजनाओं को पूरा करने में मदद मिल रही है। मंत्री ने कहा कि जल संसाधन विभाग ने गंगा जल योजना जैसी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की हैं। जल जीवन हरियाली के तहत बाढ़ के पानी को संचित कर 151 किलोमीटर की पाइपलाइन द्वारा घरों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2025 तक पूरे बिहार के खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बिहार के मजदूरों की बढ़ी न्यूनतम दिहाड़ी। बिहार में 1 अक्टूबर से न्यूनतम मजदूरी में 7 से 11 रुपए तक की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के बाद अब अकुशल कोटि के मजदूरों को कम से कम 373 रुपए रोजाना मिलेंगे। बता दें कि इस बात की अधिसूचना श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम की सहमति के बाद विभाग की ओर से जारी किया गया है। 27 सितंबर को बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री परिषद की बैठक में तय हुआ कि सामान्य कार्य के नियोजनों में काम करने वाले अकुशल श्रेणी के मजदूरों को 366 रुपए रोजाना में 7 रुपए वृद्धि की जाए। अर्धकुशल कोटि में काम करने वाले कामगारों को 380 रुपए रोजाना में 8 रुपए की वृद्धि की गई। वहीं कुशल श्रमिकों को 463 रुपए रोजाना में 9 रुपए वृद्धि की गई है। वहीं अतिकुशल श्रमिकों को 566 रुपए रोजाना में 11 रुपए वृद्धि करते हुए 567 रुपए दिए जाएंगे, जबकि लिपिकीय या पर्यवेक्षीय काम करने वालों को 10,478 रुपए महीना के बदले 210 रुपए वृद्धि करते हुए 10,688 रुपए महीने दिए जाएंगे। आदमखोर बाघ को पकड़ना सूत्रों के लिए भी मुश्किल। बगहा में आदमखोर बाघ ने दहशत फैला रखा है। इसे पकड़ने के लिए हाथी से लेकर जिप्सी तक में गश्ती की जा रही है। विभाग की टीम लगातार पिछले दिनों से बाघ को पकड़ने के लिए दिन और रात तक किए हुए है, लेकिन आदमखोर बाघ बार बार अपना ठिकाना बदल रहा है। यही वजह है कि VTR के कर्मी बाघ को रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं। इस बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे में बकरी को भी रखा जा रहा है, लेकिन बाघ सभी वन कर्मियों को बार बार चकमा दे रहा है। इस आदमखोर बाघ की वजह से VTR से सटे गांव में रहने वाले ग्रामीणों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। यहां तक कि लोग अपने मवेशियों को भी बाहर जाने नहीं दे रहे हैं।
डेंगू के कहर में प्लेटलेट्स की मांग हुई दुगनी। डेंगू का प्रकोप तेज होने के कारण से शहर के सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में प्लेटलेट्स की मांग बढ़ गई है। शहर के सरकारी व निजी ब्लड बैंकों में 15 दिन पहले तक प्लेटलेट्स की खपत जो 210 से 230 यूनिट थी वह बढ़कर अब 450 तक पहुंच गई है, जिसके बाद ब्लड बैंकों ने बिना डोनर के प्लेटलेट्स देना बंद कर दिया है। IGIMS समेत PMCH में भी प्लेटलेट्स की मांग में बढ़ोतरी हो गई है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में PMCH, IGIMS और NMCH में डेंगू के 125 नए मरीज मिले। इनमें सबसे अधिक NMCH में 50, PMCH में 45 और IGIMS में 30 मरीज पाए गए हैं। एक दिन पूर्व इन तीनों अस्पतालों में डेंगू के 120 मरीज मिले थे। इसके साथ ही जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 1172 पहुंच गई है। दुर्गा पूजा और निकाय चुनाव में माहौल बिगाड़ने की आशंका। बिहार में दुर्गा पूजा, दशहरा और नगर निकाय चुनाव के दौरान माहौल बिगड़ने की आशंका है। खुफिया विभाग की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक त्योहार और चुनाव के बीच सूबे में असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ सकते हैं, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि पुलिस मुख्यालय का कहना है कि यह सामान्य अलर्ट है। बता दें कि दुर्गा पूजा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए हार विशेष सशस्त्र पुलिस के अलावा दंगा निरोधक बल और महिला बटालियन की 1880 कर्मियों की भी तैनाती की गई है। वहीं 5 जिलों में रैपिड एक्शन फोर्स और सशस्त्र सीमा बल की एक एक कंपनी की तैनाती भी हुई है। 5G नेटवर्क से फिलहाल नहीं जुड़ेगा बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शनिवार को 5G सेवा लॉन्च की। बता दी कि 4G की तुलना में 5G इंटरनेट की रफ्तार 10 गुना तेज होगी। इससे डाटा ट्रांसफर की अधिकतम गति 20 GBPS होगी। हालांकि देश में भले 5G सेवा लॉन्च हो गई हो, लेकिन बिहार और पटना को इसके लिए लंबा इंतजार करना होगा। दरअसल पहले चरण में 5G नेटवर्क देश के 13 शहरों में लॉन्च किया गया है। इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे शामिल हैं। भारत के बाकी शहरों, कस्बों और गांवों में अगले महीनों में 5G नेटवर्क की सुविधा मिलेगी। ऐसे में बिहार में भी इस सेवा के शुरू होने के लिए कुछ महीनों का इंतजार करना होगा। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी। केंद्र सरकार ने VIP चेहरों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हुई छापेमारी और फिर 5 साल के लिए बैन करने के एक्शन के बाद अब भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की सुरक्षा को मजबूत करने का आदेश दिया गया है। गृह मंत्रालय ने संजय जायसवाल को वाई श्रेणी सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। वहीं PFI के टारगेट पर केरल के RSS के 5 नेता थे, जिनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। बता दें कि वाई श्रेणी की सुरक्षा में 11 जवान VIP को कवर देते हैं। इनमें एक या कभी कभी 2 कमांडो होते हैं और 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी दिए जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 17 दिन बाद फिर आएंगे बिहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को फिर बिहार में होंगे। वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी जन्मस्थली सारण जिले के सिताबदियारा जाएंगे तथा स्टेपी को श्रद्धांजलि देंगे। बता दें कि पिछले ही सप्ताह 23 और 24 सितंबर को अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। इस बात की जानकारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल के द्वारा दी गई है। संजय जायसवाल ने कहा है कि सिताबदियारा के अलावा अमित शाह छपरा में भी सभा को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि इस पर अभी गृह मंत्री की ओर से स्वीकृति मिलना बाकी है। वहीं प्रदेश भाजपा गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारी में जुट गए हैं। CM बनने को लेकर विवाद बढ़ता देख तेजस्वी यादव आए सामने। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने 2023 में तेजस्वी के बिहार के CM बनने वाले बयान देकर बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है, जिसके बाद विवाद बढ़ता देख तेजस्वी यादव सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें मुख्यमंत्री बनने की हड़बड़ी नहीं है, CM नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार में ठीक ठाक सरकार चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चाहने वाले तो इस तरह की मांग करते रहते हैं, लेकिन हमें न तो हड़बड़ी है और न ही मुख्यमंत्री बनने की लालसा है। बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दिल्ली में ये बातें कही हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा था कि देश नीतीश का इंतजार कर रहा है और बिहार तेजस्वी का इंतजार कर रहा है। बिहार के 9 कांग्रेसी बने मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसके बाद बिहार से प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा सहित बिहार से 9 नेता उनके प्रस्ताव बन गए हैं। इसमें पार्टी विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, बिहार सरकार में मंत्री मुरारी गौतम, विधायक आनंद शंकर सिंह, पूनम पासवान, संजय कुमार तिवारी, रामायण प्रसाद यादव, जमाल अहमद, पूर्व विधायक अमिता भूषण शामिल है। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे 8 बार विधायक और 2 बार
लोकसभा सांसद रहे हैं। फिलहाल वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता। इतिहास के सम्राट के लिए सम्राट चौधरी का धरना। सम्राट अशोक को फिर से उनका हक वापस दिलाने के लिए बिहार की राजनीति के सम्राट चौधरी सासाराम में भाजपा कार्यकर्ताओं के संग धरने पर बैठ गए हैं। समाहरणालय के पास स्थित ओधा हो रहे धरना प्रदर्शन में विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के साथ भाजपा सांसद सुशील भी मौजूद है। इस धरने के दौरान भाजपा नेता ने कहा है कि बिहार में सम्राट अशोक से जुड़ा यह इकलौता लघु शिला लेख था, लेकिन उसे भी बिहार की सरकार संरक्षण नहीं दे सकी, जबकि उनके नेता सम्राट अशोक को लेकर कई बड़े बड़े कार्यक्रम करते रहते हैं। अशोक के शिला लेख पर कब्जा कर मजार बनना बताता है कि सरकार किस तरह से इतिहास के महत्वपूर्ण चीजों को खत्म करने पर लगी हुई है। ऐसे में जब तक अशोक के शिला लेख को कब्जे से मुक्त कर उसे पहले की स्थिति में नहीं लाया जाता है, तब तक भाजपा अपना प्रदर्शन जारी रखेगी। T20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया को राउफ की चेतावनी। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 में अपने अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को चीन प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। यह मैच मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जिसे लेकर पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज हरीश रौफ ने आगामी T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देता हूं तो वे मुझे आसानी से नहीं खेल पाएंगे। आगामी विश्व कप मैच के लिए मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि यह मेलबर्न क्रिकेट पर है। यह मेरा घरेलू मैदान है, क्योंकि मैं मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलता हूं और मुझे इस बात का अंदाजा है कि वहां की परिस्थितियां कैसी होती है। मैंने पहले से ही योजना बनाना शुरू भी कर दिया है कि मैं भारत के खिलाफ कैसे गेंदबाजी करूंगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कलामुद्दीन अंसारी, रंजीत मिश्रा, रघुनाथ प्रसाद, अनवर करीम खान, सदुल्लाह पलवी, नुनू कुमार, भान प्रकाश मौर्य, अहमद रुश्ती, मुतुर रंगीला, दयाल सरन बख्शी, कविता कुमारी, कुलदीप कुमार, बाबूलाल मरांडी, पवन, मोहम्मद नौशद राजा, पीयूष पटेल, अर्जुन राम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सरकार के दावे अनुसार 2025 तक बिहार के खेतों में पानी पहुंचाने का कार्य सफल हो पाएगा या नहीं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।